सबसे पहले कानपुर चलते हैं। अमित, तस्वीरें आप दिखाइए, आज भारतीय टीम इतिहास रचने वाली है, यह भरोसा सभी को है, लेकिन साथ ही इंतजार भी है 2 बजे का, जब क्रिकेट की शुरुआत होगी। कितना जोश हाई है कानपुर वासियों का। देखिए मनदीप जी, मैं बताना चाहूंगा, 19/11/2023 संडे, यानी कहीं ना कहीं फंडे जरूर होता है, मगर आप देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स के सारे खिलाड़ी हैं और कानपुर के रेनाउंड प्लेयर्स हैं जो काफी मैचेस खेल चुके हैं, उनकी आप खुशी देख सकते हैं जाएगी। देखिए, हालांकि मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ, हेलमेट इसलिए पहना है क्योंकि पीछे मैच चल रहा है और ये बॉल मेरे हाथ में है, तो कहीं ना कहीं सर आज का दिन कैसे देख रहे हैं आप? आज का दिन संडे है और आज बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को कि आज पूरा दिन शाम को बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, हैं दो चार दोस्त उन्हीं के साथ मैच देखेंगे। सर किससे आज बैटिंग या बॉलिंग अगर बात की जाए, किससे सर आपको लग रहा है? सर बैटिंग इंडिया पहले करे तो ज्यादा सही है। बैटिंग इंडिया करे, सर अगर आपसे जानना चाहे। बैटिंग इंडिया करे पहले और कम से कम 400 का स्कोर बनाए, हाँ जी, उसके बाद समी बहुत सर, अच्छी बॉल। चीयर अप, आप लोग ताली बजा के कर दीजिए, जोर से देखिए, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे। नारे लगा दिए, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए लोगों का उत्साह काफी ज्यादा हाई है और यहाँ पर देखिए भारत माता की जय के जयकारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी चलते हैं जहां से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप बताइए बनारस वासियों का उत्साह कैसा है आज? बिल्कुल, देखिए आज रविवार को क्रिकेट का फीवर हाई है और ये देखिए इस वक्त मैं बनारस में चाय की अड़ी पर हूँ और कहते हैं कि चाय की अड़ी बड़ी फेमस होती है बनारस में। एक और चाय पक रही है, ब्रेड मक्खन पक रहा है, दूसरी ओर तो देखिए यहाँ पर चाय की चौपाल और इंतजार देखिए सभी कर रहे हैं। आज भारत जीते, मैं लौटूंगी फौरन आपके पास में, लेकिन अभी आपको फिलहाल लिए चलते हैं शमी के गांव जहां से निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निखिल, 10वां जो मैच रहा वो शमी के नाम रहा, आज भी उम्मीद की शमी काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। इस वक्त शमी के गांव में लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं और कितनी उम्मीद है आज शमी से? देखिए सबसे ज्यादा उम्मीदें आज मोहम्मद शमी से ही है। आपको ध्यान होगा कि पिछले मैच में उन्होंने 7 विकेट लिए थे, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब दुआएं चल रही है कि 8वां विकेट भी अब शमी ले। यहाँ पे ढोल के इंतजाम कर दिए गए हैं, इनफैक्ट यहाँ पे स्क्रीनिंग के भी इंतजाम है कि जितने भी लोग यहाँ पे अगर इकट्ठा हो तो उनको दिखाया जाए कि कैसे जो गाँव है जहाँ पे शमी पले और बड़े हैं वहाँ पे मैच कैसे, क्योंकि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है जिसकी हम बात करें। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। सर आपके बीच में शमी बड़े हुए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या भावना है उस गांव के रहवासी होने के नाते? हम तो सब बहुत अच्छी तरह देखते हैं, जो हमारे बस की बात है हम सब कुछ देखते हैं और हमारा बेटा पहुंचा हुआ है, हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है या हमारा बेटा इस चक्कर में हिंदुस्तान को जीता है। अच्छा, ढोल जब बज रहे थे अभी रुक गए हैं आप मीडिया से बात करने के लिए, सबसे ज्यादा आप नाच रहे थे, क्या कारण है खुशी का? बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया मैच जीते, आज भी पंजाब आ रहे शमी, मोहम्मद शमी, और वर्ल्ड कप लेकर आ रहा है यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत करेंगे उनका सभी लोग। अच्छा, मैच जीते या हारे, हार जीत तो चलती रहती है, स्वागत कैसे करेंगे उनका जब वो वापस लौट के आएंगे? स्वागत जीतेंगे, बहुत अच्छा स्वागत होगा हमारी, ये कहना है कि खुशी का माहौल रहे गाँव में जब वो आए, बहुत अच्छा लगेगा हम। ओके, वी आर आल्सो जॉइंड बाय सम ऑफ द मोर पीपल ऑफ द लोकल एरिया। क्या अरेंजमेंट्स यहाँ पे करा रखे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं मैच के लिए? व्यवस्था ये है साहब, पर्दे आ गए हैं, गांव की साफ सफाई चल रही है, तो यहाँ पर हमारे गांव वासी की जा रही है और यहाँ पर तैयारी ये भी है कि सभी लोग साथ में मैच बैठकर देखने वाले। तो देखिए शमी के गांव से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, अब सीधा लिए चलते हैं आपको नोएडा जहां पर हिमांशु शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नोएडा से तस्वीरें आप दिखाइए। देखिए आपको बता दें ये उत्साह है, ये एक पर्व है और तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इस उत्साह और पर्व को मनाने के लिए तैयार हैं, जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है। शुरुआत करते हैं, अविनाश हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं और तमाम समाज सेवी कामों से जुड़े हुए। अविनाश, इस बार क्या तैयारी है भारत की जीत को लेकर? अब ये तैयारी क्या, अब ये तो इंडिया बस जीत चुके हैं, बस हम तो जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम ये ऐसा समय आएगा जब यहाँ पे आतिशबाजी होंगी और कब हम जश्न मनाएंगे, बस समय का इंतजार है। जीती तो इंडिया पड़ी है पहले से ही। कौन लग रहा है इस बार कौन बढ़िया परफॉर्म करने वाला, आज का मैच कितना खास है? देखिए बहुत खास है ये मैच, क्योंकि हमने इस मौके के लिए बहुत इंतजार किया है, कई सालों तक इंतजार किया है और मुझे लगता है कि देख कोहली के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, कोहली तो है ही किंग कोहली, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को जरूर चांस देना चाहिए, वो करेंगे और अय्यर
मतलब बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है यार की, और वो काम करेंगे। क्या लग रहा है कौन इस बार बढ़िया परफॉर्म करने वाला आज के दिन? तो हर एक क्रिकेटर से यहाँ से उम्मीदें लोगों को है कि आज भारत की टीम ट्रॉफी लेकर जरूर आएगी। एक बार फिर से आपको वाराणसी लेकर चलते हैं जहाँ से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप इस वक्त चाय की चौपाल पर मौजूद है, किस तरह से चर्चा हो रही है वहां पर क्रिकेट की? बिल्कुल, देखिए चाय की चौपाल पर हूँ और लोगों से ही जान लेता हूँ कितना जोश हाई है। तो गुरु क्या होए आज, आज बनारसी का बोला था, आज का होए विश्व कप जीतेंगे, जीतेगा आज वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। आज बुमराह मारी ऐसन यार कर कि ऑस्ट्रेलिया का चू चू हो जाए। क्या कहा आज भारत ऑस्ट्रेलिया के चारों खाने चित कर देंगे। आज इतना दिन का बदला आज पूरा हो भैया। जो हमारा कप्तनवा है बड़ा दुलारा है, ऐसा ओपनिंग करी कि ऑस्ट्रेलिया कंगारू से टंगारू हो जाए। आज हम लोग बाबा विश्वनाथ और माई अन्नपूर्णा से प्रार्थना कैले है कि विश्व कप आज इंडिया के हाथ में आई और बनारस वाले हर हर महादेव का नारा लगे। चाय भी चल रही है तो क्या कह रहा काशी? बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। देखिए महादेव के जयकारे और साथ ही बिल्कुल बनारसी अंदाज में यहाँ पर टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाते हुए बनारस के लोग नजर आ रहे हैं। अब चलिए आपको लिए चलते दिल्ली जहां से शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवम, आप भी टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ रहे हैं, बताइए दिल्ली वाले कैसे इंतजार कर रहे हैं और किस तरह से चीयर्स कर रहे हैं आज? देखिए इंडिया तीसरी बार चैंपियन बने, इसके लिए न सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि पूरे देश के फैंस में उत्साह है, समर्थन है, जोश है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद और मेरे पीछे आप देखिए हवन हो रहा है। दरअसल ये वो भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस हैं जो जीत की कामना के लिए हवन का आयोजन कर रहे हैं। आप देखिए सामने तो तमाम जो पोस्टर्स हैं भारतीय क्रिकेट टीम के वो नजर आएंगे और बाकायदा यहाँ पर भारत की जीत की कामना के लिए हवन का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में फैंस अलग अलग स्तर पर अपने हिसाब से अपना जो समर्थन है, अपना जो उत्साह है, वो भारतीय टीम के साथ जाहिर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत की कोशिश है कि हम तीसरी बार अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही इंतजार आज 2 बजे का, आप सभी का ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर लगातार आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।